सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सिटी स्काईलाइंस गेम प्ले पार्ट 4। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस अमेजिंग सी स्टार सिटी में हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो हमने क्या किया था। लास्ट वीडियो में हमने, जैसे कि आप स्क्रीन को देख सकते हैं, मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा इधर ठीक धीरे करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इस सारे एरिया पे हमने ट्रैप लगाया था लास्ट सिटी में, जैसे कि आपने देखा था। फिर हमने कुछ ट्रैफिक के इश्यूज़ को हमने सॉल्व किया था, हमने पूरे शहर में ट्रैप लगाया था। फिर मेट्रो लगाया था, जैसे कि आपको पता है मेट्रो इधर एक मेट्रो जा रही है गाइस, मस्त सी मेट्रो इधर एक जा रही है। मैं इसका एक आपको सिनेमैटिक व्यू भी दिखा देता हूँ, मैंने प्ले किया शायद। तो एक हमने मेट्रो भी डाला था लास्ट सिटी में, फिर हमने एक ट्रैप भी चलाया था। बहुत शहर में हमने ट्रैप चलाया है, शहर में गाइस मेट्रो पे देखो बहुत सारे लोग हैं इधर, बहुत सारे लोग। मेट्रो तो मस्त चल रहा है, तो अभी इससे कोई टेंशन नहीं है। फिर मैंने ऑफलाइन में कुछ चेंजेस किए थे, मैं पता है मुझे वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, मेरे 2-3 दिन से वीडियो नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में थोड़ा चेंजेस किए हैं इसमें। बिकॉज ऑफ दैट मैंने कुछ डिले किया है कुछ अपलोड करना, और ऊपर से मेरा बर्थडे भी था, तो आप समझ सकते हो मैं थोड़ा बिजी था उसमें। तो मैंने ऑफलाइन के जो भी चेंजेस किए, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ उधर। आई एम सॉरी फॉर दिस। तो ये रहा अपना शहर, जिससे मैं अभी, इसमें थोड़ा इशू वैसे ही है, इसमें कुछ वर्कर्स नहीं है, तो उसका हम इशू अभी सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में। तो ये रहा अपना शहर। तो इधर बहुत सारी ट्रैफिक आ रही है जैसे मैं देख रहा हूँ, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में, उस ट्रैफिक को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सारे लोग एक ही रास्ते से पकड़ के इधर जा रहे हैं, फिर पूरे रास्ते में इधर आ रहे हैं। तो ओह माय गॉड गाइस, ये देखो कितना ट्रैफिक है इधर। एम्बुलेंस तो ठीक है जा रहा है, अभी एम्बुलेंस को हमने ये दे दिया। भाई सिटी तो मस्त लग रहा है, पर ट्रैफिक देख रहे हो कितना है इसमें, एक कचरे की गाड़ी। एम्बुलेंस वाला जा रहा है लेकिन कचरे की गाड़ी नहीं छोड़ रही है, लोग इसी इसमें घूम रहे हैं। बाकी गेम तो ठीक ठाक ही है। तुम लोग घुस क्यों रहे थे भाई ऐसे? इन लोगों का लगा ऐसे ही प्रॉब्लम है, ये हमेशा लाइन सीधी लाइन में नहीं जाते, पूरे क्रॉस क्लास लाइन में जाते हैं इनका। मुझे पता नहीं इनका क्या दिक्कत है ऐसा सीधा जाने में। आई गेस थोड़ा कुछ गेम का थी, साइंस में कुछ इश्यूज है, आई एम नॉट श्योर क्या है वैसा। तो ये भी जब जो भी मैं कर रहा हूँ वो भी बीच में घुस ही गया अभी, तो यही है इन लोगों का प्रॉब्लम। इसी तरफ से ना, आई मीन इसी वजह से ना हमारा ट्रैफिक बढ़ता है सिटी में। इसको मुझे कुछ भी करके थोड़ा कम करना पड़ेगा, वरना ये बहुत प्रॉब्लम कर लेगा फिर आगे जाके। ये लोग शायद सभी इंडस्ट्री एरिया के पास जा रहे हैं। मैंने सॉरी गाइस, मैंने थोड़ा पता आपको भूल गया, मैंने ना इधर पे एक बड़ा सा ये बनाया है जो वाई शेप का है, जब वो रोड होता है। तो इसमें एक खासियत इस बात की भी है जो इसमें हमें देख सकते हैं, टनल भी है जो इस रोड को इस रूट से साथ कनेक्ट करती है। टनल इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमने एक ना रेलवे ट्रैक बिछा कर रखा, क्योंकि रेलवे ट्रैक होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कार्गो हम अभी इंडस्ट्री एरिया जो भी मैंने बनाया, 2-3 दिन हो गए, फिर मैं अभी देख रहा हूँ इसमें सभी को यही दिक्कत है कि नॉट इनफ वर्कर्स। ठीक है, मैं इन लोगों का ना कुछ करता हूँ, बिकॉज अपने शहर में आप देख सकते हो एजुकेशन की थोड़ी कमी है, तो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो बाकी का हम ये भी बढ़ा देंगे इधर। सो मैंने पूरा एजुकेशन सिस्टम इधर लगा के रखा है, फिर मैं हॉस्पिटलिटी इधर लगाऊंगा। मैंने एक कम्युनिटी बना के रखा है इधर, ये जो सारी जो शहर के ये होते हैं वो मैंने इधर बना के रखा है। ये जो एरिया होगा पूरा हाईली रेजिडेंशियल एरिया होगा, क्योंकि इन लोगों को वर्कर्स से कमी ना पड़े। फिर ये जो एरिया है हाईली रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें थोड़ा एजुकेशन की कमी है, तो इसलिए इधर थोड़ा वर्कर्स कम पड़ रहे हैं, उसका भी हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये रहा पिछले वीडियो का, मैं एक समरी मैं आपको दे रहा हूँ। तो अभी क्या करेंगे हम आज के वीडियो में, यहाँ पे जो ये जो स्पेस देख रहे हो, यहाँ पे हम पूरा एक तेल की इंडस्ट्री डालेंगे, ऑयल इंडस्ट्री आप जब बोल सकते हो। फिर यहाँ पे हम और इंडस्ट्री डालेंगे, मैं और इंडस्ट्री और तेल की इंडस्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें पैसा बहुत मिलने वाला है, और यहाँ पे अबंडेंट तरीके से तेल है और है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना सारा तेल है इधर, देख सकते हो कितना सारा तेल है इधर, ये सभी तेल हम यूज़ करेंगे। फिर और भी इधर है बहुत सारा, और जो बोल सकते हो बहुत सारे कीमती जो चीज़ें होते हैं ज़मीन के नीचे वो भी है। तो हम क्या करें, उस और तेल की इंडस्ट्रीज़ के रास्ते को इधर से जॉइन करेंगे जो सीधे हाईवे पे घुसेगी। फिर यहाँ से चाहे तो इधर भी आ सकते हैं, फिर जहाँ भी जा सकते हैं, हमेशा कहीं भी घूम सकते हैं थिंग्स। तो ट्रैवलिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू नहीं होने वाला हमें, तो करना पड़ेगा इसमें। फिर मैं क्या कर रहा हूँ अभी इस वीडियो में, हम बस इतना ही करते हैं क्योंकि बहुत सारा टाइम लगेगा इसमें ही। तो आई डोंट नो वीडियो कितने मिनट की बनेगी, तो
बहुत सारे लोग अगर लॉन्ग वीडियो है तो देखना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ बनाता हूँ, जैसे कि 15-20 मिनट के ही बनाते हैं। फिर अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, सारे जो कार्गो शिप कार्गो के ट्रेन्स जो होंगे उसको इस पटरी से हम लेके यहाँ पे एक स्टेशन बनाएंगे, फिर इसको एक स्टेशन बनाएंगे, फिर इसको एक स्टेशन बनाएंगे, इन सारे चीज़ों को कलेक्ट करके हम एक मेन स्टेशन यहाँ पे एक बनाएंगे इसके पास नदी या तालाब के पास या कहीं इधर जाके बनाते हैं इधर कहीं पे। फिर इसको हम क्या करेंगे इसके साथ जोड़ देंगे शिप के जरिए से। इधर थोड़ा पानी कम नहीं लग रहा, मतलब ये सारा सूख लिया क्या ये, आई नीड टू चेक। अच्छा ये सारा पानी सूख रहा है इधर का, इसीलिए इधर पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको थोड़ा मूव करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको हम थोड़ा सा पेस्ट कर देंगे इधर। फिर पानी आ गया भाई। हाँ वेल ऑल राइट गाइस, तो हमने इसका थोड़ा कर दिया इशू, क्योंकि इधर पे क्या हो रहा है पूरा ये तीनों अगर ये है पंप्स हैं तो पूरा पानी सोख रहे थे वो, तो ट्रैफिक हमारा बहुत ट्रैफिक है तो लिटरली ट्रैफिक को हमें कुछ करना पड़ेगा। आई डोंट नो इनका क्या इशू है, सभी लोग ऐसे जाते हैं। मैंने बहुत सारे कोशिश भी की है बहुत मतलब इधर उधर उनको भेजने के लिए, देखो तो इधर मैंने पूरा हाईवे डाल के रखा है 6-6 लेन का, इन लोगों को यहीं पर घूमना है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मैं इसका ट्रैफिक का कुछ सोल्यूशन निकालता हूँ, ट्रैफिक का मुझे सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ऑल राइट गाइस, सभी में क्या हम क्या करते हैं इधर थोड़ा सा एक शहर बसा देंगे, इनको कुछ पानी की दिक्कत है। तो वेल ऑल राइट, अभी हम क्या करेंगे थोड़ा सा एक छोटा सा एक शहर का रास्ता बनाएंगे, इस रास्ते में हम क्या करेंगे बहुत सारे एक घर बना देंगे, क्योंकि मैं काफ़ी चीज लोगों से देख रहा हूँ ये इशू है इधर शहर पे। वेल ऑल राइट, मैंने बहुत सारे का ये डाल दिए। फिर हम इधर करेंगे हाई डेंसिटी एरियाज, मैं पूरा जल्दी जल्दी से मार्क करता हूँ हाई डेंसिटी एरियाज इधर पे, क्योंकि इधर अभी कुछ इशू चल रहा है उधर, मुझे देखना पड़ेगा क्या है इनका एक इशू। वो इशू ये है कुछ पानी वानी का दिक्कत आ रहा है इन लोगों को, आई नीड टू चेक विद दैट। मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं जल्दी जल्दी कोई घर बनेगा या नहीं। तब तक मैं पानी की दिक्कत के बारे में, मैंने वाटर तो अवेलेबिलिटी करा के रखा है, बहुत सारा पानी अवेलेबल है अपने शहर में, मैं इसको यहाँ पे इस शहर में जोड़ दूँ क्या इन लोगों को बिछा देते हैं, क्योंकि पानी का इशू तो पहले हम सॉल्व करने के वाला। ओ भाई मस्त है, इशू तो सॉल्व हो गया, मतलब इधर थोड़ा पानी कम पड़ता था शायद उस शहर में, और लोग बसा भी रहे हैं घर, अच्छा लगा, बहुत जल्दी लोग घर बसा रहे हैं। अब इनको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी तो इधर है नहीं तो मुझे एक खींचना पड़ेगा भाई, नहीं इनको इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम डाल के रखा है, फिर यहाँ से हम डाल के तो ये लोग ऑटोमेटिक वहाँ से खींच लेंगे तार वार जो भी हम शेयर्स में खींचते हैं, वैसे शेयर्स में नहीं गाँव तरफ ज़्यादा खींचते हैं तार वार। तो ये अपना रोड थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ा के रखा है, आई डोंट नो इसको सॉल्व कैसे करें, लोग नीचे से भी आ जा सकते हैं पर ये लोग जा नहीं रहे हैं, तो ठीक है एजुकेशन वाले इधर आ रहे हैं तो हॉस्पिटैलिटी वाले भी उसे जा रहे हैं। अब इनका गार्बेज कौन कलेक्ट करेगा, गार्बेज ट्रक्स तो इधर ना भाई, क्या मजा चला क्या भाई, इतने सारे लेन्स हैं, तुम लोग जाओ ना भाई, क्यों एक ही लेन पे क्या कर रहे हो तुम लोग, मैंने पूरा हाईवे डाल के रखा है वो। हम ट्रैफिक का ना देखते हैं ट्रैफिक का मैं उसको सॉल्व करता हूँ ट्रैफिक कैसे करते हैं, तब तक ये घर उधर बन रहे। तो ऑल राइट, हम क्या करेंगे अभी इंडस्ट्री बनाएंगे अपनी। सॉरी मेरा माइक थोड़ा सा गिर गया था, मैं इसको सेट करता हूँ।
वेल ऑलराइट, अभी हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज बनाएंगे, अपना मेन अपना ऑयल इंडस्ट्री बनाएंगे हम, देन हम बनाएंगे और इंडस्ट्री। तो आज हम ऑयल इंडस्ट्री और ओर इंडस्ट्री बनाएंगे। तो पहले मुझे एक लेआउट लेना पड़ेगा ऑयल और इंडस्ट्री के लिए। मैं देखता हूँ कुछ मेरा लेआउट है क्या अपना, या हम वही सेम लेआउट अपने डाल देंगे जो हमने इसमें डाला था। ये डाल सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या पता है, ये लोग इधर अंदर से बहुत जाएंगे, बाहर भी आएंगे। तो भाई मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा इसका मैं क्या करूँ इन लोगों का। ट्रैफिक का मैं थोड़ा बाद में देखता हूँ, मुझे दिमाग ख़राब हो रहा है ट्रैफिक देख देख के। मैं थोड़ा बाद में देखता हूँ ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक अभी देखूँगा ही। ठीक है, हम लोग इधर क्या करेंगे, हाईवे डालेंगे, हाईवे इधर डालेंगे ऐसे। फिर मैं हाईवे लेके इसको इधर कनेक्ट करता हूँ। तो ये बढ़िया था। अभी हम बीच में कुछ पार्क्स वगैरह लगाएंगे, हम एक और इंडस्ट्रीज़ को, या हम इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके लगा सकते हैं। पार्क ही लगाएं तो ठीक रहेगा यार, क्योंकि हमने तो टू वे लेन बना के रखा है, तो अगर पार्क होगा तो लोग चल वगैरह लेके आएंगे तो ठीक रहेगा। पार्क लगा देंगे जरूर, वरना मैंने क्या सोचा था, स्टोरेज एरिया लगाएंगे, बहुत सारा स्टोरेज एरिया। तो स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी हम चलाएंगे एक का, इनको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी शायद। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, एक पाइपलाइन प्रॉब्लम्स देखते हैं, पाइपलाइन प्रॉब्लम्स, ओशन थर्मल एनर्जी, सोलर ड्रिफ, इसको रोड साइड लगाने की क्या ज़रूरत है। मेरे पास तो इलेक्ट्रिसिटी है प्रोडक्शन, तो इलेक्ट्रिसिटी छोड़ते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, हम खंबे से ही प्रोडक्शन तो अपने पास बहुत है, तो क्यों करें इतनी फालतू में एक्सपेंडिचर्स, वैसे भी माइनस में चल रहा है। ठीक है, जा भाई इलेक्ट्रिसिटी जा। मुझे तो अभी ऐसा अगर है तो आई नीड टू चेक विद दिस इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, बहुत सारे पोल्स लगाने पड़ेगा। अभी के लिए देखते हैं, फिर अगले पोल्स तो हमने बहुत बिछा लिया गाइस इधर, आई नो पोल्स हमने बहुत बिछा लिए, पोल्स का कुछ अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर बार पोल्स काम नहीं आएंगे। आई नो हर बार पोल्स का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, हम इसको यही चीज़ है, थोड़ा लग पड़ेगा, एक ही पोल में हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा सिटी एक्सपेंड करेंगे, इसको हम इंडस्ट्रीज को थोड़ा ज़्यादा करेंगे, तो माइट बी वी कैन सॉल्व दिस इशू। लेकिन यहाँ पे एक ये डाल देंगे मस्त सी,
राइट, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी इनको दे दिया, अभी थोड़ा पानी की दिक्कत है इनको, तो पानी की दिक्कत इधर सॉल्व होती है। इसका कुछ इशू हो रहा है, नॉट इनफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको इनफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। इनफ का मतलब क्या है, तरह इनफ तो राइट, तो अपने इसमें 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तेल खींचेंगे बहुत सारा। तो ऑल राइट गाइस, अपनी ऑयल इंडस्ट्री है इधर, इसको मतलब क्या चल रहा है इधर, नॉट इनफ बायर्स। अभी इसी का दिक्कत था मुझे, नॉट इनफ बायर्स अभी से बोल रही है। बायर्स हम ला देंगे गाइस, डोंट वरी, बायर्स हम ला देंगे। आई डोंट नो बायर्स को मुझे कैसे लाना पड़ेगा, तो इसको मैंने शहर से जोड़ दिया। अभी एक भी ट्रक इधर क्यों नहीं आ रहा, मतलब इसको हुआ क्या रहा है। हम एक रास्ता यहाँ पे जोड़ दें क्या, क्योंकि इनको अगर इंडस्ट्रियल एरिया में आना हो तो डायरेक्ट आ सकते हैं लोग। तो अभी हम थोड़ा सा इसको शहर से जोड़ दें, क्योंकि मुझे लगता है शहर से थोड़ा बाहर है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे जोड़ते हैं इधर से, ऐसे ये इधर ऐसे बैठेगा तो शहर में थिंग्स अच्छे लगेंगे। तो मैं इसको हटाता हूँ इस रोड को, या इसको मुझे डबल रोड करना पड़ेगा आई गेस। इसको मैं थोड़ा अपग्रेड कर देता हूँ इस रूट को ऐसे, एक अजीब सा डिज़ाइन बन गया। मैं इसको इस रोड को हटाता हूँ इधर से, वरना फालतू में ट्रैफिक पड़ेगा इधर। मैं फिलहाल के लिए थोड़ा हटा रहा हूँ, बाद में हम इसको थोड़ा ठीक करते हैं यहाँ से। वो सोलेज एरिया था तो आई टू चेंज दैट। ये क्या है, मैं इसको यहीं पर रखता हूँ कहीं पे। शहर से मुझे थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इसका थोड़ा सा दिक्कत है। आई नीड टू फिगर इट आउट, ये क्या है, अ लार्ज एवेन्यू विद ग्रास।
फोर लेन रोड, ये कितना लार्ज होगा पार्किंग स्पेस, पार्किंग वगैरह छोड़ो अभी फिलहाल पे। सो वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो आज आपने देखा था हमने वीडियो में बहुत सारे चीजें की, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं अभी भी, इधर भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, मुझे उसको सॉर्ट आउट करना है, तो मैं थोड़ा ऑफलाइन में जाके इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करता हूँ। तो आपने देखा अभी हमने क्या किया था, बहुत सारा एक मस्त सा डिज़ाइन के साथ हमने एक पेट्रोकेमिकल का एक ऑयल फील्ड बना दिया है, तो उधर से ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा, फिर यहाँ पे स्टोर होगा, फिर यहाँ से ट्रक्स आएंगे, फिर जाएंगे, देन यहाँ पे मुझे रोड को थोड़ा सा एक्सटेंड वगैरह करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, उसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं यहाँ पे एक और इंडस्ट्री बनाएंगे, और इंडस्ट्री के साथ हम बहुत सारे अच्छे तरह से कनेक्ट करेंगे इसको, तब तक मैं इस प्रॉब्लम्स को थोड़ा सॉल्व करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो अगले वीडियो में मिलते हैं और इंडस्ट्री के साथ।